My friends, today God is by our side to help us. मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे बगल में ही हैं। Wherever you're struggling, God is here to make us stand with His strength. आप चाहे जहाँ भी संघर्ष में हो, परमेश्वर आपको अपने ताकत से खड़े करने के लिए वहाँ है। And His Word helps us according to Deuteronomy 8:3. और व्यवस्था विवरण 8:3 के अनुसार उसका वचन हमारी सहायता करता है। It says, "Man does not live by bread alone." यहाँ लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, but by every word that comes from the mouth of the Lord. परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। Bread is needed for our physical body strength. हाँ, शारीरिक शक्ति के लिए हमें रोटी की आवश्यकता होती है। But the word of God is needed for our spiritual strength. पर आत्मिक ताकत के लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। Our inner man's strength. हमारे आंतरिक मानव को सशक्त करना। Without that, we will not be able to be willing to do anything. उसके बगैर हम कुछ भी करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। Strong to do anything. किसी भी चीज के लिए समर्थ नहीं होंगे। We need that strength. और हमें वो बल चाहिए। And if you take this word of God, और आप परमेश्वर के इस वचन को लें, it's not ordinary. तो ये साधारण नहीं है। It's not words from a book, my friends. ये केवल एक किताब से शब्द नहीं है प्रियो। Genesis chapter 1 says, उत्पत्ति अध्याय 1 कहता है, God spoke and things were created. परमेश्वर ने कहा और चीजें रची गईं। He said, "Let there be light," and there was light. उसने कहा, उजियाला हो और उजियाला हो गया। He said, "Let the waters be separated," and they were separated. उसने कहा कि जल आपस में अलग हो जाए और वे हो गए। Let there be separation between the day and the night, and it was separated. दिन और रात के बीच में एक अंतर हो और एक अंतर जो है आ गया। His word is powerful to create. उसका वचन रचने के लिए सामर्थ्य है। So whenever God speaks to you, delight because it has the power to create in your life. इसलिए जब परमेश्वर आपसे बातचीत करे तो आनंदित हो, क्योंकि उसमें रचने की सामर्थ्य है। That's why Jesus says in John 6:63. इसलिए यूहन्ना 6:63 में यीशु कहते हैं, The words I speak to you are words of life. और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो जीवन की बातें हैं। And he says, I am the bread of life. और वो कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ। I am that word which gives life. मैं वो वचन हूँ जो जीवन देता है। So as you receive this word from God, you are receiving Jesus. As that word. तो जब आप यीशु से इस वचन को प्राप्त करते हैं, तो आप यीशु को वचन की तरह पाते हैं। And he will operate as the word. और वो हम में वचन सक्रिय करेगा। If you receive Jesus, things will start to happen mightily. अगर आप यीशु को स्वीकार करें, तो अद्भुत सामर्थ्य रूप से चीजें होंगी। How do we receive this word? हम इस वचन को कैसे स्वीकार करें? By reading the word of God in the Bible. बाइबल में परमेश्वर के वचन को पढ़कर। And I know the Holy Spirit will fill you and show you what God is speaking to you. और मैं जानता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा और आप जान जाएंगे कि वो आपसे क्या कह रहा है। Ask him. आप उससे मांगें। And he will show you that word just like we are meditating today. वो आपको वो वचन दिखाएगा जैसे अभी हम मनन कर रहे हैं। Receive that word. उस वचन को स्वीकार करें। And Jesus will come as that word to bless you that day. और यीशु उस वचन के रूप में आएगा कि आपको उस दिन आशीष दे। And when Moses encountered God like reading the word of God, और जब मूसा ने परमेश्वर का सामना किया जैसे वचन को पढ़ने के द्वारा, God said, Moses, now I will put my words in your mouth to go and speak to the king of Egypt. तो यहोवा ने मूसा से कहा, अपने वचन तेरे मुंह में डालूंगा कि तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से बात करे। He went with the word of God upon his lips. वो अपने होठों पर परमेश्वर के वचन के साथ गया। You will also go to your work or go to your ministry with this powerful word of God. आप भी अपनी सेवा के लिए या कार्य के स्थान के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के साथ जाएंगे। It will no longer be you, but God speaking through you. अब आप नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा। God creating through you. परमेश्वर आपके द्वारा रचेगा। It will be a mighty experience, my friends. वो आपके लिए एक सामर्थ्य अनुभव होगा प्रिय। Live by this word of God. परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जिएं। Shall we pray for God to give us this experience? आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें यह अनुभव दे। Lord, we long for your word. प्रभु, हम आपके वचन के लिए तरसते हैं। Please teach us your word from the Bible, Lord. हमें आप अपने वचन बाइबल से सिखाएं प्रभु जी। Holy Spirit, help us be thirsty to receive your word. पवित्र आत्मा, आपके वचन को पाने के लिए आप हमें प्यासे बना दें। And help us receive the word for the day. और प्रतिदिन के लिए वचन पाने में सहायता करें। And do miracles through that word, Lord. और उस वचन के द्वारा चमत्कार करें प्रभु। Let that word operate powerfully as we claim it. वह वचन जब हम उसका दावा करते हैं, सामर्थ्य रूप से कार्य करे। And put the right words on your children's lips for them to speak. अपने बच्चों के मुंह में आप सही शब्दों को डालें जिसे वो कह सके। Let wisdom come. और वहां बुद्धि आए। Let wonders happen as they speak, Lord. और जब वो बोले तब प्रभु चमत्कार हो। Things that they never imagined
they could do. और जो वो कल्पना भी नहीं करते थे वे कर सकें. Let each word be measured and powerful. प्रत्येक वचन नपातुला और सामर्थ्य हो प्रभु जी. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. The power of God's word is given to you on your lips and in your heart. परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके होठों और आपके हृदय में दी गई है. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं Bethesda Prayer Center जो कि कारुण्या नगर कोयंबटूर में है. Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे. So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए. Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे. We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए. It'll come upon you. वो आप पर आएगा. And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे. You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं. Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है. Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयंबटूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है. Just come. बस आइए. Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे. डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्डा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयंबटूर में आएं. तारीख है रविवार 7 जुलाई. समय है दोपहर 2 बजे. अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर. तुरंत संपर्क कीजिए.